हे हेलो गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्रेड सेटअप के वीडियो में पहले तो हम ग्लोबल मार्केट का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर लेवल देखेंगे और बाद में कौन से स्टॉक पर आज ट्रेड बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउ फ्यूचर आपके सामने है 198,27,763। अगर हम लास्ट जब अमेरिकन मार्केट क्लोज हुआ उसकी बात करें तो आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स की जो इंडेक्स है वो क्लोज हुई थी 134 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, डाउ 134 पॉइंट नेगेटिव हुआ था क्लोज। S&P 500 32 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ था। नासडैक 100 भी नेगेटिव हुआ था। FTSE जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ था। CAC जो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव। DAX भी थोड़ा सा नेगेटिव। हैंगसंग निक्काई एशियन मार्केट 259 पॉइंट और 303 पॉइंट पॉजिटिव। तो वैसे ही हम एशियन मार्केट अगर पॉजिटिव है तो हमारी निफ्टी भी आज पॉजिटिव खुलेगी। यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर अगर देखें तो निफ्टी फ्यूचर हमें निगेटिव दिखा रहा है 18 पॉइंट्स और SGX निफ्टी भी स्लाइटली थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन हमारा एशियन मार्केट आज पॉजिटिव खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो हमने देख लिया ग्लोबल मार्केट का व्यू। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो देखो यहाँ पर एशियन मार्केट अगर पॉजिटिव खुलेगा ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी 50 पर मैंने रेंज निकाली है। देखो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अभी जहाँ मार्केट खड़ा है 11,400 समथिंग 16 पर खड़ा है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर पॉजिटिव मार्केट खुलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 11,465 का, क्योंकि ये रिसेंट उसको रेजिस्टेंस है, एक छोटी सी रेंज है ये। और डाउनसाइड वहाँ पर अगर टच करता है ऊपर और उसके बाद नीचे आता है तो डाउनसाइड होगा 11,308 और 11,315 जो उसका क्रूशियल सपोर्ट है। तो इस रेंज में मार्केट हो सकता है। अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ी सी पॉजिटिव रैली आती है तो ऊपर के साइड आएगी 11,600 तक ऊपर की लेवल, और डाउनसाइड 11,315 को भी अगर तोड़ता है तो डाउनसाइड होगी 11,247। ठीक है, ये डाउनसाइड, और नीचे की साइड एकदम क्रूशियल 11,112 की। ठीक है, वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी पर देखें तो बैंक निफ्टी पर देखो आप, अगर निफ्टी पॉजिटिव खुलती है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर की साइड 21,616 तक, ठीक है, ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है इस कॉर्नर तक, यहाँ तक जा सकता है मार्केट ऊपर की साइड, मतलब 22,614 यहाँ तक जा सकता है। और ये जो अपसाइड टारगेट दिया है ये एक्चुअली मैंने पहले लिखा था। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22,600 के दरमियान मार्केट यहाँ तक जा सकता है अगर निफ्टी पॉजिटिव खुलती है तो। और अगर हम नीचे की सपोर्ट की बात करें तो ये जो सपोर्ट है रीसेंट, जैसे कि 21,792 का, ये उसको रीसेंट सपोर्ट है, और उसके भी नीचे 21,061 का ये सपोर्ट है। लेकिन मार्केट अगर पॉजिटिव खुलेगा तो ऊपर की साइड ही हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने पहले देखा ये कुछ का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, और उसको भी अगर ब्रेक कर दे तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको 23,045 का। ठीक है, बैंक निफ्टी पर ये रेंजेस है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स पर ट्रेड बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है आज। HDFC बैंक पर हम देखेंगे, लेकिन मैंने ट्रेड निकाले हैं, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। यहाँ पर देखो HDFC को आपको बाय करना है। मैं मेरे हर वीडियो में ये भी बताता हूँ कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो किस वजह से दे रहा हूँ और यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। देखो ये 45 मिनट्स पे चार्ट है और यहाँ पर जो वैल्यू एरिया है, इस वैल्यू एरिया के कंट्रोल लाइन को ब्रेक कर मतलब इसके बीच वाले लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक को बाय करना है, क्योंकि नॉर्मली एक बॉक्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो बॉक्स के ऊपर के साइड को ये टच करने को जाता है। तो यहाँ पर 1108 को अगर आप बाय करोगे तो सिंपल टारगेट रखना है 1114 का। ठीक है, और वहाँ पर भी अगर पॉजिटिव रहता है तो उसके ऊपर का टारगेट है 1138 का। ठीक है, 1138 का आज भी आ सकता है, तो दोनों टारगेट आ जा सकते हैं, ये HDFC बैंक पर है। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने अमर राजा बैटरी पर ट्रेड बनाया है। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू एरिया है 45 मिनट्स में, मैंने यहाँ पर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई है। यहाँ पर देखो उसने ये जो रिजेक्शन है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पर,
तो ये ऊपर वाली उसने जो रेड कैंडल लगाई थी उसको रिजेक्शन बोलते हैं, मतलब मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुआ, वहाँ पर सेलर ज़्यादा हावी हो गए और सेलर ने बहुत ज़्यादा मिलकर एक ही टाइम पर बेचा, इसीलिए वहाँ पर एक ही कैंडल बनी, तो उसके रिजेक्शन बोलते हैं। जब भी ऐसा रिजेक्शन होता है तब उसके बाद मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले मैंने अमर राजा बैटरी पर बाइंग का कॉल दिया था, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस लाइन तक, मतलब जैसे कि 792 तक जाएगा, लेकिन वो मार्केट वहाँ तक गया नहीं, वहाँ उससे पहले यहाँ पर रिजेक्शन आ गया। तो अभी एक्सपेक्टेड ऐसा है, वॉल्यूम थोड़ा निगेटिव है और मार्केट कंडीशन फ्लैट है, तो यहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। और रीसेंट टारगेट मैंने यहाँ पर रखा है 738 का, ठीक है, 738 का जो डाउन साइड यहाँ पर आता है, और उसके भी नीचे टारगेट, वंस ये अगर निगेटिव होने लगा तो उसके बाद डाउन साइड ही टारगेट रखने आपको, तो उसके बाद टारगेट आएगा 726 का, ठीक है, उसके नीचे मैं टारगेट अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट ट्रेड में दूंगा। तो ये हो गया अमर राजा बैटरी पर। मैं एक्चुअली रीज़न आपको यहाँ पर क्लियर है क्यों, जैसे कि इससे पहले मैंने ट्रेड दिया था, देखो यहाँ पर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना था, तो यहाँ पर रिजेक्शन आया था, थ्री टाइम्स रिजेक्शन है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आया था। यहाँ पर देखो डाउन साइड रिजेक्शन आया था, तो वहाँ पर बायर्स हावी थे, उसने बाय कर लिया और ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर भी आप पुराने एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर चला गया, यहाँ पर भी रिजेक्शन थोड़ा सा आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर देखो क्लियर इंडिकेशन है, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये था आज के ट्रेड के लास्ट ट्रेड में बोलूँगा, टोरेंट पावर पर मैंने निकाला है, उस पर हम देखेंगे। एक्चुअली इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखना है, अगर आप फ्यूचर बाय करते हो और रखते हो तो ये बेटर रहेगा, इंट्राडे में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फुल्ली इंट्राडे। यहाँ पर हम 3 आवर्स पे चार्ट देख रहे हैं, 4 आवर्स पे भी देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी। देखो 4 आवर्स पे एक बॉक्स है आपके सामने और इस बॉक्स के वो वैल्यू एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसको आना है नीचे, लेकिन 4 आवर्स पे तो हम इंट्राडे के ट्रेड नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा हम अगर टाइम फ्रेम कम कर ले, मैंने समझने के लिए टाइम फ्रेम बढ़ाया था। 2 आवर्स पे देखेंगे तो उसने एक इसका सेपरेट यहाँ पर मैं बोलूँगा वैल्यू एरिया तैयार किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, मतलब जैसे कि दो यहाँ पर देखो दो तैयार हुए रिजेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हुए ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा और नीचे चला आएगा, तो नीचे के ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन लगाई है उसके ये सपोर्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मार्केट निगेटिव है, मार्केट मतलब कि टोरेंट पावर अगर निगेटिव खुलता है तो आपको सेल करना है 312 को और बिल्कुल उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, आपके एपेटाइट के हिसाब से, और टारगेट रखना है 309 का डाउन साइड फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मैं बोलूँगा जैसे कि 275 का और 277 का, ठीक है। तो ये वन डे में नहीं आएगा, लेकिन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फ्यूचर शॉर्ट कर रख सकते हो, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल इस दिशा में जाएगा ट्रेड डाउन साइड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और ये आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन करते हैं। मैं यहीं पर रुकता हूँ आज के लिए, बाय बाय, जय हिंद।